बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है ये बड़ी खबर। लाखों घर खरीदारों के साथ धोखा करने वाले आम्रपाली ग्रुप को आज सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई करते हुए उन्होंने फ्लैट्स को हैंडओवर नहीं किया जनता को, जिनके फ्लैट्स थे होम बायर्स को, तो उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा, जेल तक भेजने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को तुरंत फ्लैट रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन या फ्लैट कब्जे में देरी होती है तो दोषी को जेल भेजा जाएगा, जिस पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि मामले में जल्द निपटारे के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक स्पेशल सेल भी बनाया है और कुछ विशेष अफसरों को भी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बताते चलें कि 42,000 फ्लैट जो हैं वो हैंडओवर अभी तक नहीं हुए हैं। जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है कि कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी अब आशीष सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, कि पहले से ही लोग परेशान है, आपका काम सिर्फ इतना है कि डीले ना करे, देरी ना करे, फ्लैट्स का हैंडओवर कर दे, इसके बावजूद नहीं हो पा रहा उनसे काम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जस्टिस अरुण मिश्रा ने कि हम कागजी शेर नहीं है, हमने जो आदेश दिया है उसका पालन करना होगा। अगर हमारे आदेश का पालन नहीं कोई करता है तो हम कठोर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली अहम बात कही नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कि जितने भी होम बायर्स हैं जिनके फ्लैट के रजिस्ट्रेशन कराने हैं उनके रजिस्ट्रेशन तत्काल कराएं। दूसरी अहम बात कि जिनको कब्जे देने हैं, यानी जिन फ्लैट्स बायर के जो फ्लैट तैयार है जिनको कब्जे देने हैं तो कब्जे का काम तुरंत करवाएं। तीसरी अहम बात कि अगर ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने में जरा भी कोताही बरतती है या फिर आदेश के पालन होने में अवहेलना होती है तो संबंधित जो अधिकारी होंगे वो जेल जाएंगे। चौथी अहम बात, आज ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी दोनों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अलग से उन्होंने एक स्पेशल सेल बना दी है आम्रपाली ग्रुप के मामले को जो हैंडल करेंगे और कोर्ट का आदेश सुचारू रूप से पालन हो इसको लेकर वो पूरी तरह से वचनबद्ध है। आशीष, ये भी जानना चाहेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन भी दी है इन अथॉरिटीज को कि जल्द से जल्द काम करें और हैंडओवर और रजिस्ट्रेशन का काम करें फ्लैट्स का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ही है कि हम इन्हें जल्द से जल्द काम करना होगा। अगर कोई भी फ्लैट बायर अगर जाता है नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास अपने फ्लैट को रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर या फ्लैट के कब्जे को लेकर, तो तत्काल प्रभाव से उन्हें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। फोर्थ विक कहने का मतलब ही यही है कि तत्काल प्रभाव से ही अथॉरिटी को ये काम करना होगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।